instrument which has the finger grip should be handled like in this way, in a tripod grip. Thumb and ring finger and index finger and middle finger is used for support. This is instrument handling. और जो forceps है उसको आपने you should not handle forceps like this. It should be held like a pen. Needle को कहाँ से hold करना है? 2/3 और 1/3 needle और tip of the needle holder. ठीक है, ये tip है, ये 1/3 है, ये 2/3 है. यहाँ से आपने hold किया इसको और click कर लिया, ऐसे निकाल लिया और फिर रीड जैसे 1/3, 2/3 और टिप. अब अगर आपने डेप्थ में सुचरिंग करनी है और आपने टिप पे नहीं लगाई हुई तो पियर्स ही नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये पार्ट उसका आगे आपको अंदर आगे नहीं जाने देगा डेप्थ. इसलिए कहाँ लगानी है सुचरिंग? टिप ऑफ द नीडल होल्डर. टिप ऑफ द नीडल होल्डर पे लगाने के बाद अपने टिश्यू को उसी तरह होल्ड करना है. ठीक है, और जितना आपने सपोज 1 सेंटीमीटर आपने मध्य लेना है तो आपने 1 सेंटीमीटर पे परपेंडिकुलर यूं रख के नहीं करना एग्जाम में, यूं प्रिक करना है इसको. ठीक है, और जब यूं प्रिक करेंगे तो ये ईजिली हो जाएगा जब हो. और फिर इसको यूं जोर लगाने के नहीं, इसको स्लाइड करना है जैसे इसका कर्वेचर है. निकल आया, इधर से पकड़ा, इधर से छोड़ दिया. ठीक है, अब नेक्स्ट जो गलती और मुश्किल आपको पेश आती है कि इसको खींचना कैसे. इसको खींचना है इसको स्टेबल करके. ठीक है, अब ये खींच जाएगा, अब इतना निकल आया. ठीक, अब दूसरी, अब फिर इसको लोड करना है 1/3, 2/3 पे और दूसरी साइड ऑफ द टिश्यू उसके बिल्कुल इसके बिल्कुल पैरेलल और उतने ही डिस्टेंस पे. ठीक है, और फिर जब नीडल निकला ऐसे टिश्यू को नीचे प्रेस करें नीडल को ऊपर और फिर नीडल को यू नहीं देख खींचेंगे तो नहीं निकलेगी. आपने क्या करना है उसके कर्वेचर के अलांग स्लाइड करना है तब निकलेगी ये. नीडल नीचे रख दें. ठीक है, अब हाथ से खींचें इसको. अब एक तरफ शॉर्ट थ्रेड है एक तरफ लॉन्ग थ्रेड है. ठीक है, अब लॉन्ग थ्रेड और शॉर्ट थ्रेड के बीच में जो ये जो वी बनती है इसके बीच में आपने नीडल होल्डर रखना है. पॉइंट्स याद रखने हैं. ठीक है, इधर नहीं रखना, इधर नहीं रखना, इधर रख के इसके ऊपर दो लूप बनाने. ठीक, दो लूप बना के स्मॉल थ्रेड को पकड़ लिया. अब स्मॉल थ्रेड किस तरफ है मेरे? मेरी राइट साइड पे. अब ये जब नॉट लगेगी तो ये लेफ्ट पे चला जाएगा तो तब नॉट जो बनेगी वो स्क्वायर नॉट हो जाएगी. स्क्वायर का मतलब स्मूथ नॉट. देख रहे हो? अब अगर ये इधर ही रहेगा तो ये कैसी नॉट है? फ्लैट स्मूथ स्क्वायर है नहीं, नहीं. ऐसे रखेंगे तो ये ऐसे ये नॉट है. जब भी लूप बनाना है दोनों थाकों के बीच में रखना ऐसे. दूसरी दफ़ा एक लूप बनाना है. अब स्मॉल थ्रेड किधर है? लेफ्ट पे. अब किधर चला जाएगा? राइट. राइट पे जब गया तो देखो नॉट बन गई. इसको टाइट करते हैं. टाइट करके आपका जो नॉट है वो सूचर लाइन के सेंटर में नहीं होगी बल्कि साइड पे चली जाएगी. उसको कर दें साइड. अगला स्टेप होता है कि इसको काटना कैसे है. ये सीजर है, इसको कैसे होल्ड करना है? उसी तरह ट्राइपॉड के लिफ्ट करता है और असिस्ट पकड़ो इसको, असिस्टेंट काटता है इसको. तो उस ट्रेमर्स को मिनिमाइज कैसे करना है? स्टेबलाइज ऐसे. आपने अपनी सीजर को स्टेबलाइज कर दिया. दूसरा, कोलैटरल डैमेज को कैसे प्रिवेंट करना है? टिप से काटेंगे तो आगे आगे वाली चीज़ें नहीं कटेंगी, यूं काटेंगे तो वो भी काट जाएगा. ठीक है, लेकिन अगर टिप से काटेंगे तो निकल जाएगा. अच्छा.